हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखो, आज हम बनाएंगे अंडे की सब्जी। ये अंडे, कुछ अंडे मैंने ऐसे बीच से काट लिए, कुछ अंडे मैंने साबुत रखे, तो इसकी आज रेसिपी बनाते हैं। फ्रेंड्स मैंने तेल गरम कर लिया है अपना, और इसमें मैं डालूंगी अपना जीरा। जीरा हमारा गर्म हो चुका, मैं डाल दूंगी इसमें प्याज। तो फ्रेंड्स प्याज डाल दी मैंने, प्याज को जब तक ये ना अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तब तक हम इसको ऐसे चलाते रहेंगे। प्याज अभी थोड़ा सा टाइम लेगी ब्राउन होने में, तो तब तक आपको मैं दिखाती हूँ। ये मैंने मसाला बनाया है, इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, 3 टमाटर मीडियम साइज के और लहसुन अदरक का पेस्ट, इसी के अंदर मैं एक साथ ही डाल लेती हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ मैंने डाली। और अब मेरी प्याज ना ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इतने में इसको अपना जो मैंने ये मसाला बनाया इसको डाल देती हूँ। ये अपने मसाले मैंने 2 चम्मच मिर्च डाली है और 1/2 चम्मच डाली मैंने हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर और नमक टेस्ट के अनुसार डाला है। अब ये 3-4 मैंने हरी मिर्च डाल दी इसमें काट के। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए मेरा मसाला अच्छे से हो रहा है, अभी थोड़ा सा कच्चा। और फ्रेंड्स अब आपको मैं चीज़ और दिखाती हूँ। ये जो थोड़ा मेरी दाल बची हुई थी, अब मैं इस दाल को मसाले में डालूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरी दाल बची हुई थी थोड़ी, तो मैंने सोचा इसको फिर से डाल ही दूँ, तो मैं इसमें थोड़ा दाल डाल देती हूँ अपनी। मैंने इसमें अपनी दाल डाल दी 2 चम्मच। थोड़ी सी और डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपने मसाले में दाल डाल दी, कितना अच्छा रंग आ रहा है। जैसे चिकन का मसाला होता है ना, जैसे चिकन बनाते हैं ना, उस तरह से ऐसे आ जाता है, इसकी ग्रेवी ना अच्छी बन जाती है। ये देखो, दाल जब बच जाती है मैं थोड़ा ऐसे ही इस्तेमाल करती हूँ इसको, कि वेस्ट भी ना जाए और टेस्ट में भी आ जाए, किसी चीज़ को वेस्ट ना जाए। बच्ची बच्चों को भी अच्छी लगती है, मेरे बच्चों अच्छी लगती है इनको, इसलिए मैं डाल देती हूँ। अच्छी ना लगे ना, जिस दिन मना कर देंगे उस दिन नहीं डालूंगी, अभी तो कह रहे हैं डाल लो अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मेरा मसाला भी अच्छी तरह भुन चुका है। आज मैंने अपने अंडे काट के बनाए, वैसे मैं हमेशा ज़्यादातर साबुत बनाती हूँ, आज मैंने इसको काटा है। ये मेरे 10-12 अंडे, तो एक बच्चा कह रहा है मम्मी मैं तो बिना साबुत ही खाऊंगा,
मैंने कहा चल भाई तेरे को मैं साबुत दे देती हूँ। उसके लिए चार अंडे मैंने ऐसे ही रख दिए काटे बिना। अब जिसको जैसा अच्छा लगेगा ठीक है। दो तरह से मैंने बना दिए, इनका हिसाब कर दिया, कोई कटे हुए खाओ या साबुत खाओ। तो देखो खुशबू उसमें तो बहुत अच्छी आ रही है, जैसे चिकन की आ रही है ऐसे हो रही है, जैसे चिकन खाते ना इस तरह से आ रही है। तो फ्रेंड्स इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा पानी। तो फ्रेंड्स थोड़ा मैं इसमें पानी डालती हूँ, ग्रेवी थोड़ी सी ना ज़्यादा पतली रहेगी ना ही ज़्यादा गाढ़ी रहेगी, खाने में थोड़ा ठीक लगेगा, टुकड़े में अच्छे से आ जाएगी। तो फ्रेंड इसको मैं उबाल आने तक ऐसे ही पकाऊंगा, जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी, थोड़ा ढक के इसको अभी थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारा पानी अब तक जो है उबल के पक चुका होगा। ये देखिए पानी में अच्छे से उबाल आ गया, पानी हमारा पक चुका है इसका ये। तो फ्रेंड्स मैं अपने डालती हूँ इसमें अंडे ऐसे। साबुत भी डालती हूँ इसमें, आज मैंने अंडे को तला नहीं है जानबूझ के। ये मैंने 12 अंडे बनाए हैं। तो देखो ये जो एवरेस्ट का जो चिकन मसाला इसे जरूर डालती हूँ मैं, थोड़ा सा इसमें जो ये डाल देती हूँ मैं। हो गया देखो, अब देखो फ्रेंड कितना अच्छा कलर वलर सब अच्छा आ रहा है। और आप भी ऐसे बनाना, मुझे भी अच्छा लगेगा, बताना कमेंट करके आपको ये तरीका कैसा लगा मेरा बनाने का। भाई मैं अपने तरीके अपने हिसाब से लगाती हूँ, जैसे मुझे अच्छा लगता है मैं ऐसे बनाती हूँ, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा बता देना। थोड़ा इसमें मैं धनिया डाल देती हूँ। अब देखो क्या मस्त सब्जी बनी है। तो फ्रेंड्स मेरी सब्जी तैयार है, ठीक है। इसमें से 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं अपनी सब्जी को। वाह क्या खुशबू आ गई भाई, बढ़िया मज़ेदार हो गई मेरे से ना, अच्छी बन गई, मतलब तरी वरी सब बढ़िया है, ठीक है। ये देखो जब दाल बचती है ना तो मैं ज़्यादातर ऐसे अंडे बना लेता हूँ, अगर दाल दोबारा ना मतलब थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि इस्तेमाल कैसे किया जाए। और मैं ज़्यादातर फेंकती नहीं हूँ कोई भी चीज़, इस्तेमाल में लेने की कोशिश करती हूँ, जो चीज़ बच जाए फिर उसको यूज करो अच्छे से। ये देखो ये मैंने दाल मिलाई इसे मसूर की, बनी हुई रखी थी मेरे पास वो मैंने मिलाई इसमें। ये मेरे 12 अंडे हैं और ये मेरे अब बन चुके हैं, बहुत अच्छी खुशबू वगैरह सब कुछ अच्छी लग रही है, सब बढ़िया एकदम। अब आपको मैं कटोरी में डाल के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी ये मैंने तैयार कर दी है, थोड़ा सा इसमें और धनिया डाल देती हूँ। ये हमारी अंडा अंडा करी विद दाल तैयार हो चुकी है। कैसी लगी फ्रेंड्स मेरी रेसिपी बताना ज़रा प्लीज़, कोई कमी हो तो बता दिया करो, मुझे बुरा भी नहीं लगेगा। आप लोग कैसे बताते हो थोड़ा सा आइडिया दे देना, और मेरा आइडिया आपको कैसा लगा एक अंडा दाल वाला, ठीक है। सिंपल रेसिपी, कोई झंझट नहीं कुछ नहीं। ओके बाय फ्रेंड्स।